दोस्तों Realme ने हाल ही में Realme 7 सीरीज को इंडिया के अंदर लॉन्च किया था और जैसा कि आप लोगों को पता है कि Realme के हर एक सीरीज के साथ हमें एक लाइटर वेरिएंट देखने को मिलता है जो कि अफोर्डेबल स्मार्टफोन होता है उनके लिए जो कि एक बजट प्राइसिंग के अंदर एक अच्छा स्मार्टफोन प्रेफर करते हैं। तो फाइनली यहाँ पर Realme की तरफ से आपको बहुत जल्द Realme 7i देखने को मिलने वाला है जो कि एक अफोर्डेबल प्राइस के अंदर आपको अच्छी स्पेक्स ऑफर करने वाली है। तो इस वीडियो में मैं आपको इस डिवाइस के बारे में कंफर्म स्पेसिफिकेशन प्राइसिंग और लॉन्च डेट बताने वाला हूं। तो उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट बना सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस डिवाइस की बिल्ड और डिज़ाइनिंग को लेकर। तो यहाँ पर आपको इस डिवाइस का जो बिल्ड और डिज़ाइन है वो काफ़ी सिमिलर Realme 7 Pro के जैसा देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर आपको बैक साइड के अंदर एक ग्लॉसी ग्रेडियंट डिज़ाइन देखने को मिलेगा और साथ ही में आपको फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट भी बैक साइड के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। और उसके साथ ही अगर बात करें दोस्तों इस डिवाइस के फ्रंट साइड के बारे में, तो फ्रंट साइड के अंदर आपको 6.5 इंचेस का एक IPS LCD पैनल देखने को मिलेगा जो कि पंचोल डिस्प्ले के साथ आने वाला है और यहाँ पर आपको रिफ्रेश रेट में 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको एक LCD पैनल देखने को मिल रहा है, बट एडवांटेज ये है कि आपको 90 हर्ट्ज वाला रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। साथ ही में अगर बात करें सेल्फी कैमरे की, तो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर आपको इस डिवाइस के अंदर देखने को मिलेगा। अब उसके साथ ही दोस्तों बात करते हैं इस डिवाइस की परफॉर्मेंस को लेकर। तो इस डिवाइस के अंदर आपको लेटेस्ट क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662 का पावरफुल चिपसेट देखने को मिलेगा जो कि एक लेटेस्ट पावरफुल चिपसेट है और स्पेशली उनके लिए है जो कि बजट प्राइसिंग के अंदर एक अच्छी गेमिंग करना चाहते हैं। तो गेमिंग को लेकर यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी क्योंकि परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है और साथ ही में बैटरी भी काफ़ी अच्छी दी गई है। तो यहाँ पर आपको बैटरी में 5000 mAh की एक पावरफुल बैटरी देखने को मिल जाती है, जहाँ पर आपको 18 वोल्ट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। अब उसके साथ ही दोस्तों फाइनली बात करते हैं इस डिवाइस के रियर साइड के कैमरा के बारे में। तो रियर साइड के अंदर आपको 64 मेगापिक्सल्स का क्वाड रियर कैमरे का सपोर्ट देखने को मिल जाता है एंड उसके साथ ही आपको एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, एक मैक्रो लेंस और एक डेप्थ सेंसर का सपोर्ट देखने को मिलता है। अब उसके साथ ही दोस्तों बात आती है प्राइसिंग को लेकर। तो जैसा कि आपको पता है कि एक लाइटर वेरिएंट है Realme 7 सीरीज का, तो इसकी प्राइसिंग जो होगी वो काफ़ी आपको अच्छी देखने को मिलेगी। तो अगर बात करें बेस वेरिएंट की प्राइसिंग की, तो बेस वेरिएंट में आपको 4GB रैम, 64GB का इंटरनल स्टोरेज अप्रॉक्स 12 से लेकर 13 हज़ार रुपये के बीच में देखने को मिल सकता है। और अगर बात करें इसके हायर वेरिएंट की, तो हायर वेरिएंट में आपको 6GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज 15 हज़ार रुपये के करीबन देखने को मिल जाएगा। साथ ही में अगर बात करें लॉन्च डेट की, तो इस डिवाइस को अक्टूबर के महीने तक इंडिया के अंदर लॉन्च किया जाएगा। तो क्या आप इस डिवाइस को लेना पसंद करेंगे, कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो फाइनली आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफी अमेजिंग लगी होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपने छोटे भाई को सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल, स्टे सेफ एंड हैव अ लवली डे।